हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर कसा तंज। नालंदा जिले में कुशवाहा समाज की हुई अहम बैठक, बैठक में कुशवाहा क्रांति मंच की हुई उद्घोषणा, विवेक चंद कुशवाहा को संयोजक चुना। अस्पताल से गायब रहने वाले डॉक्टरों को नहीं बख्शेगी सरकार, तेजस्वी यादव ने दिया एक्शन लेने का निर्देश। नालंदा में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला, युवाओं ने कंधे पर माता को उठाकर दी विदाई। बिहार में मॉनसून का असर, अगले 5 दिनों तक दिखने की उम्मीद, 15 अक्टूबर को होगा ठंड का एहसास, वज्रपात को लेकर जारी अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार में बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से पूर्व सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री विकास बिहार सरकार ने हमला करते हुए कहा कि बिहार में दशहरे के समय से ही डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। आज के समय बिहार की राजधानी पटना का ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां डेंगू के मरीज ना हो, मगर इन सब में से ना तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को कोई असर पड़ता है और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री को। तो आइए सुनते हैं मंत्री जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। पूरा का पूरा पटना इस समय डेंगू नामक बीमारी से कराह रही है। त्योहार के अंदर भी खलल डालने का काम डेंगू की बीमारी ने किया है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां आज डेंगू पीड़ित पेशेंट नहीं है, मरीज नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री अपने पार्टी को चलाने में लगे हुए हैं, पटना की चिंता छोड़ करके दिल्ली बैठे हुए हैं, कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रहा है, मच्छर से बचाव का कोई उपाय, कारगर उपाय सरकार नहीं कर रही है। किस प्रकार की सरकार सूबे में चल रही है जिसको अपने जनता की रत्ती भर चिंता नहीं है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस डेंगू की कोई चिंता है, ना ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता है, सरकार भगवान भरोसे चल रही। पटना में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के आरोपों पर ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं, बिहार में आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग और उनकी संख्या चिन्हित है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, बिहार में आयोग की कोई जरूरत नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग और उनकी संख्या चिन्हित है। आइए सुनते हैं कि ललन सिंह ने और क्या कुछ कहा। ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज थी, इसलिए कि उनका मानना था कि जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा है उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और इसलिए सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को नहीं, 50% की महिलाओं की जो आबादी है उसको भी उन्होंने आरक्षण दिया। नालंदा में बिहार शरीफ मुख्यालय के आशा नगर स्थित एरावत पैलेस में कुशवाहा समाज की एक अहम बैठक की गई। इस बैठक के दौरान कुशवाहा क्रांति मंच की उद्घोषणा भी की गई। तो वहीं डॉक्टर के मरने की अध्यक्षता में मंच की सभा में विवेक चंदन कुशवाहा को संयोजक चुना गया। इस सभा में कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग पर प्रस्ताव पारित हुआ। इस मौके पर विवेक चंदन कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा समाज का बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण और एकीकरण करना है। इसके अलावा लोकल समस्या के ऊपर भी इस बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। हमारा एजेंडा कुशवाहा समाज का एकीकरण है, सशक्तिकरण है, और इन सब विषयों को लेके हम आज बैठे थे। स्वाभाविक है कि हमारे क्षेत्र से हमारे ही समाज के 17 साल से माननीय विधायक हैं, उनको लेके विमर्श हुआ, उनकी क्या भूमिका है, हम लोग कमज़ोर हुए हैं, मजबूत हुए हैं, बिहार प्रदेश को लेके है, देश भर में है, देश भर में हमारा कोई आज समाज का एक मंत्री नहीं है, प्रदेश में भी हमारी संख्या मंत्रिपरिषद में लगातार जब से पिछड़ा आंदोलन हुआ 90 के बाद बैकवर्ड मूवमेंट, उसके बाद से हमारा लगातार घटते जा रहा है। सब विषयों को लेके और लोकल इशूज़ पर, जैसे राजगीर में कुशवाहा धर्मशाला है, रामचंद्रपुर बिहार शरीफ में कुशवाहा छात्रावास है, और भी जो समस्याएँ हैं, तो लोगों का एक आवाज़ के तौर पर मंच तैयार हुआ।
गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता और विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अपने बड़बोले बयान के लिए खासे सुर्खियों में रहते हैं। फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खोजते हुए कहा कि अलग अंदाज में नया बयान दिया है। नीतीश कुमार के बड़बोले नेता ने कहा, बिहार में अगर कोई साफ छवि वाले नेता हैं तो वो हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वह पाक साफ नेता है। उन्होंने अपनी जदयू पार्टी की मजबूती को लेकर कहा कि हमारी पार्टी एकत्र राज्य करेगी। साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए, परंतु काफी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जल्द से जल्द निर्णय लेकर चुनाव कराना चाहिए। अब कहीं रहा ही नहीं भाजपा का कुछ, बिहार में बचवे नहीं किया, भाजपा पार्टी बची, बाकी कुछ नहीं है। ना तो उसके पास वोटर है, नहीं कुछ है, इसलिए छटपटा। लगातार सरकार में भी कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जगदानंद सिंह भी विरोधी हैं, उनका बेटा भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए कोई त्रुटि ऐसा हुआ होगा उसमें नहीं संभाल सके मंत्रालय को, तो उन्होंने दे दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार में कोई कारण नहीं है, पाक साफ आदमी है, एक वही व्यक्ति है जो पाक साफ। खबर राजधानी पटना से है, जहां रालोजपा प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पशुपति परास प्रिंस पासवान, कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। पासवान जी का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। देश के बहुत बड़े नेता थे, दलित के, पिछड़ा के, शोषित के, अकलियत के बहुत बड़े नेता थे। उनको संकीर्ण अम्बेडकर की उपाधि दी गई थी और हमारे बड़े भाई भी थे, मैं उनको भगवान के रूप में मानता था। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत दुखद घड़ी है, मैं उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया हूँ। पीरपैथी के विधायक ललन कुमार की 69 साल की माता श्रीमती कुलेश्वरी देवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे अपने पीछे विधायक सहित 6 पुत्रों को छोड़ गई हैं। बता दें कि जब उन्हें सीने में भारीपन का एहसास हुआ तो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी खबर जैसे ही सोशल मीडिया से लोगों को मिली तो उनके घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। तो वहीं उनके अंतिम संस्कार में जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार और पूर्व विधायक रामविलास पासवान, अमन कुमार और कई नेताओं सहित सैकड़ों में लोग शामिल हुए। खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव प्रखंड के एक चारी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय हरजन टोला के प्रधानाध्यापक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीरज कुमार विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, वो घर पर ही जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाते हैं। क्योंकि जहां प्रधानाध्यापक को कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए शिक्षक का ये रवैया पिछले कुछ सालों से चल रहा है। एक तरफ हर रोज सरकार की नई नई शिक्षा नीति लागू होती है और वैसे में इस प्रकार के भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने प्रधानाध्यापक से बात करने की कोशिश की तो प्रधानाध्यापक द्वारा अपशब्द का प्रयोग किया गया। बिहार शरीफ के अली नगर मोहल्ला में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार महिलाओं ने बंगाल के तर्ज पर एक दूसरे को सिंदूर खेला कर नाचते हुए माता को विदाई दी। तो वहीं मोहल्ले के युवकों में माता की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर जय माता दी का जयकारा लगाते हुए प्रतिमा को विसर्जन के लिए मोहल्ले से बाहर निकाला। रास्ते भर बच्चे बड़े सभी ढोल नगाड़े पर नाचते गाते दिखे। महिलाओं ने बताया कि विसर्जन के मौके पर हर साल यहां पर हम लोग एक दूसरे को सिंदूर और अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हुए माता से, परिवार से सुखमय जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। वैसे तो विजयदशमी के अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, इस कारण बीते शुक्रवार को विसर्जन किया गया। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। भागलपुर में नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अपराधियों ने मोबाइल चोरी के मामले में बाबू टोला कमला कुंड निवासी अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जिसको लेकर नवगछिया के एसपी सुशांत सरोज ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा गोली चलाने वाले अभियुक्त सोनू कुमार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और जमकर उसकी पिटाई हो रही थी, तभी यह सूचना प्रशासन को मिली और बीच बचाव करते हुए उसे अपने गिरफ्त में ले लिया, पर सोनू कुमार किसी तरह भागने में सफल हो गया। तो वहीं अभियुक्त अंकित कुमार को ग्रामीणों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं नवगछिया एसपी ने यह भी कहा कि जल्द दूसरे अभियुक्त को पकड़ लिया जाएगा और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वो मामला जानकारी हो गया, एसपी साहब जानकारी हुआ, वहाँ भी जानकारी हुआ था, मोबला मोबाइल उठा उलट फिर हुआ था, इसी के कारण कम उम्र वाले लड़के ने हत्या कर दी। इसका कुछ युवाओं को या उस तरह का पुलिस पुलिसिंग पे कुछ पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हत्याएं होती रहती है। विवाद को लेकर के जो अब तक जानकारी दी गई है, घटना से 5-6 दिन पहले मोबाइल को लेकर के मृतक और जो एक्यूज पक्ष है उसमें विवाद हुआ था और घटना के दिन वो लड़का आया जिसे पहचान लिया, उसी में विवाद हुआ, एक ने उसे गोली मार जख्मी कर मृत्यु हो गई। फिर वो पब्लिक भीड़ उसे पकड़ लेता है, कुछ पिटाई उटाई भी किया था, हालांकि पुलिस तुरंत पहुंच करके भीड़ से निकाल कर उसको इलाज के लिए भेजा गया है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और दूसरा भी नाम आ गया है, वो लोग उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बिहार में वाहनों की उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा सघन तलाशी में घंटों का समय लग जाता है। इस समस्या को लेकर उत्पाद विभाग द्वारा सरकार को अवगत कराया गया था, जिसके बाद बक्सर जिले के विभिन्न चेक पोस्ट पर वाहनों की तलाशी में सहूलियत को लेकर हैंड स्कैनर मशीन उपलब्ध कराई गई। पटना से आए तकनीशियन द्वारा उत्पाद विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को हैंड स्पिनर से जाँच के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम द्वारा मालवाहक ट्रकों की जांच पड़ताल हैंड स्कैनर से शुरू कर दी गई है। स्कैनर एक अपने आप में एक पारदर्शिता है, उससे ये साफ है कि गाड़ियां में किसी प्रकार के गुप्त तहखाने बनी हुई है या अन्य चीज है, उसकी जांच हो पाती। इसका समाज में तो या जो भी कारोबारी है उसमें एक डर तो है ही कि अगर हम गुप्त तहखाना करके ला रहे हैं तो मेरी वहां पर पकड़ी जाएगी, इसका असर है इस तरह का। अब वो लगने के बाद और 24/7 उसकी जांच चल रही है, तो कमी तो हुई है और मेरा टारगेट पकड़ने से ज़्यादा एक भय भी पैदा करना है कि लोग उससे ना आए, ना कि इधर आए तो पकड़े जाए, बेहतर है कि वो उधर से ही रह जाए, मेरा व्यू यही है। नालंदा जिला अंतर्गत खेत से पशु चराकर लौट रहे एक अधेड़ को सड़क पार करने के दौरान एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पीछे से आ रहे ग्रामीण की नजर जब जख्मी हालत में सड़क पर पड़े अधेड़ पर गई तो इसकी सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां से देर रात उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। रास्ते में जाने के दौरान ही अधेड़ की मौत हो गई। घटना को लेकर दीपनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अज्ञात वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अपना खेती से घर की ओर जा रहा था, अच्छा आस लिए हुए था माता को, रोड क्रॉस करने के समय वह अज्ञात वाहन, अच्छा इसकी सूचना आप लोग को कैसे मिली? और फिर गांव वाले लोग वो दूर में थे, सूचना दी। नालंदा जिले में बीती शाम ई रिक्शा ने सड़क किनारे घूम रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो लोगों का इलाज जारी है। वहीं मौत की सूचना पर घर वालों को मिली तो गांव में सन्नाटा पसर गया, तो वहीं मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया और घटना को लेकर नालंदा थाना अध्यक्ष ने बताया कि ई रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया गया है, लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीन आदमी के साथ साइड मार घूमने जा रहे थे जी, उसी दरमियान वापस आने के बाद पीछे सिलाव की तरफ से टोटो आ रही थी जी, और तीनों के धक्का मार, अच्छा इसी साइड जी साहेब कुमार पूरी तरह से जख्मी हो गए जी, जितेंद्र कुमार भी जख्मी, अच्छा साहेब कुमार की राजधानी।
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।